नाथ मंदिर की ये तस्वीर है, कॉरिडोर की वो तस्वीर है जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ आज दर्शनों के लिए पहुंचे। तो पूर्वांचल के 3 इलाकों का जायजा लेने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे और ये तस्वीर। काशी विश्वनाथ मंदिर की और देखिए गर्भगृह भी वो पहुंचे हैं जहां पर पूजा अर्चना की जा रही है। बाबा विश्वनाथ के धाम दर्शनों के लिए पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तो बाढ़ग्रस्त इलाकों का जायजा लेने के लिए वो पहुंचे थे और उनके साथ कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी इस वक्त नजर आ रहे हैं। सीधी तस्वीर काशी विश्वनाथ धाम की जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। वाराणसी से सीधी तस्वीरें काशी विश्वनाथ धाम मंदिर में सीएम योगी आदित्यनाथ। उनके साथ जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी और उनकी शिव भक्ति को आप देखिए इस तस्वीर में। जब भी सीएम वाराणसी जाते हैं काशी विश्वनाथ मंदिर जरूर पहुंचते हैं। बाबा विश्वनाथ की धरती पर पहुंच के दर्शन पूजन करते हैं और पूरे विधि विधान से वैदिक मंत्रोच्चार के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त शिव की नगरी, बाबा की नगरी काशी विश्वनाथ धाम में मौजूद है। स्वतंत्र देव सिंह भी उनके साथ मौजूद हैं, जल शक्ति मंत्री। और आपको बता दें कि पूर्वांचल के 3 जिलों में इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ और इस वक्त वाराणसी भी वो पहुंचे हैं। इससे पहले उन्होंने बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा किया, प्रभावित लोगों से मुलाकात की, वहां का हाल जाना और इस वक्त ये तस्वीर विश्वनाथ धाम की है, मंदिर की है। और रोहित हमारे साथ मौजूद है। रोहित तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। सीएम योगी का एक ये भी रूप है, शिव भक्ति में लीन दिख रहे हैं रोहित योगी जी। देखिए क्योंकि वो खुद एक आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, मंदिर के महंत हैं, गोरखपीठाधीश्वर हैं, उसके अलावा मुख्यमंत्री हैं, तो जब भी वो आते हैं बाबा विश्वनाथ की भक्ति और श्रद्धा भी उनके कार्यक्रमों में रहता है। कभी औचक निरीक्षण के बहाने तो कभी पूजा पाठ के बहाने वो विश्वनाथ मंदिर में बाबा विश्वनाथ के सामने पूजा पाठ के लिए जरूर पहुँचते हैं। और आज भी उसी क्रम में उन्होंने पहले जो उनके एक मुख्यमंत्री होने के नाते जो उनकी पहली जिम्मेवारी थी यानी अपने प्रजा का हाल चाल लेना, जनता के दुख सुख को जानना, तो उसका बकायदे जायजा लिया हेलीकॉप्टर से और फिर उसके बाद मस्ती घाट पे एनडीआरएफ के साथ बोट में जाके पूरा आसपास के क्षेत्रों का जायजा लिया। उसके बाद फिर वो पहुंचे हुए हैं काशी विश्वनाथ मंदिर। अभी कितनी देर रोहित रुकेंगे सीएम योगी वाराणसी? देखिए अभी उनका लगातार कार्यक्रम है मुख्यमंत्री का। जब भी देखिए आते हैं मुख्यमंत्री 2 दिवसीय दौरे पे आते हैं और 2 दिवसीय दौरा इसलिए रहता है, अक्सर वो शाम को ही आते हैं। उसका मुख्य कारण रहता है कि रात के समय वो औचक निरीक्षण करने के लिए सड़कों पे निकलते हैं। उसका सीधा मकसद ये रहता है कि यदि मुख्यमंत्री का काफिला दिन में शहर में निकलेगा तो जाहिर है यातायात की व्यवस्था चरमराती है, तो ऐसे में लगभग वो 10 बजे के बाद ही निकलते हैं। अभी उनकी और भी मीटिंग है, काफी मीटिंग वगैरह है, उसके बाद रात में औचक निरीक्षण को ये भी निकल सकते हैं जैसा कि वो हमेशा अपने दौरों पे करते रहे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रोहित जानकारी देने के लिए। और देखिए मुख्यमंत्री के साथ एक सन्यासी के रूप में और एक शिव भक्त के रूप में भी वो अक्सर नजर आते हैं और तब जब वो वाराणसी दौरे पर रहते हैं शिव भक्ति का ये रूप। अब देखिए बाबा विश्वनाथ की धरती पर सीएम योगी आदित्यनाथ और इस वक्त दुग्धाभिषेक को कर रहे हैं। शिव भक्ति ऐसी सीधी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं विश्वनाथ धाम की, काशी विश्वनाथ धाम की, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं और शिव की आराधना में लीन दिख रहे हैं। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी उनके साथ मौजूद हैं। तस्वीरें बेहद खास क्योंकि आज कई जिलों के दौरे पर निकले थे सीएम योगी आदित्यनाथ, हवाई सर्वेक्षण भी किया उन्होंने। Oh, no.
और जैसा कि हमारे सहयोगी रोहित ने बताया कि आगे भी कई कार्यक्रम अभी वाराणसी में उनके हैं, तो अभी काफी देर तक वो वाराणसी में रुके रहेंगे। Nos donamos para batir, batir.